तो दोस्तों क्या हाल चाल है। न्यू लैपटॉप या डेस्कटॉप लेने के बाद यार ऐसा लगता है कि अपने टेबल पे एक मस्त साउंड बार हो जो कि आपके टेबल का इंप्रेशन एकदम बढ़ा दे और साथ ही साथ एक मस्त साउंड क्वालिटी दे। और इसीलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट साउंड बार अंडर 1000 रुपीज। और सभी साउंड बार यार बहुत मस्त होने वाले हैं, अलग अलग फंक्शन के साथ आने वाले हैं। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने रखा है सभी साउंड बार को पिक करने में वो ये है कि आपका 3 वॉट कम से कम स्पीकर उसमें होना चाहिए और साथ ही साथ सभी डिवाइस साथ कंपेटेबल होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आप मोबाइल के साथ चलाइए, लैपटॉप के चलाइए, डेस्कटॉप के साथ चलाइए और साथ ही साथ टीवी के साथ भी आप उसको यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे हमने यूएसबी कनेक्टिविटी पे ज्यादा फोकस किया है, बिकॉज अगर ब्लूटूथ नहीं रहता है तो यार कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यूएसबी कनेक्टिविटी अगर होती है तो आप एक लॉन्ग टाइम म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। तो यही रीजन है जो मैंने यूएसबी के साउंड बार ज्यादा पिक किया है और इसीलिए मैंने 5th नंबर पे रखा है पोल्ट्रोनिक्स की तरफ से Tune 1 जो कि एक बजट फ्रेंडली साउंड बार है। और आपको बता दें इसके बजट के अकॉर्डिंग मैंने इसको जैसे ही देखा तो ये बिल्कुल आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस होने वाली है। और इसमें जो डिजाइन मिलती है फ्रंट में, इसमें आपको LED मिल जाती है जो कि आपको थोड़ा सा कलरफुल टाइप का लुक दे देता है और काफी क्लियर साउंड और मीडियम लेवल का बेस आपको इसमें मिल जाता है। इसमें आपको 6 वॉट का स्पीकर मिलता है जिसके वजह से आपको काफी अच्छी साउंड देखने को मिलेगा। और कनेक्टिविटी की बात करें तो USB देखने को मिलने वाला है, ब्लूटूथ ऑप्शन इसमें नहीं अवेलेबल है, साथ ही 3.5 mm का ऑक्स मिलने वाला है जो कि बिल्कुल कॉमन है, आपको सभी स्पीकर में देखने को मिल जाता है। और ये सभी डिवाइस के साथ कंपैटिबल है, आप टैबलेट से लेके टीवी तक में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बात करें माइक्रोफोन का तो इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता और इसमें वॉल्यूम कंट्रोल बटन आपको देखने को मिल जाता है। और प्राइसिंग की बात करें तो 549 रुपीज में मिलता है जो कि इसका LED वेरियंट वाला है। और अगर आपको LED वेरियंट वाला नहीं चाहिए तो आपको 499 रुपीज में भी मिल जाता है जो कि बहुत सही रेंज, आप बिल्कुल एक साउंड बार बाई कर सकते हैं। तो बात करें 4th नंबर पे मैंने रखा है जेब्रोनिक्स की तरफ से जेब वीटा जो कि बहुत ही हैंडी है और इजी टू कैरी है, आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। और बात करें तो इसमें 10 वॉट का स्पीकर मिलता है तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे आपको काफी अच्छी हाई क्वालिटी म्यूजिक मिलने वाली है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको USB से लेके ब्लूटूथ, FM रेडियो, ऑक्स, HD कार्ड सभी तरीके की कनेक्टिविटी मिल रही है जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपको माइक्रोफोन का भी सपोर्ट मिलता है जिससे कि आपका कॉलिंग वगैरह आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा आपको राइट हैंड साइड में सारे बटन्स मिल जाते हैं जिससे कि आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं और ये सभी डिवाइस में कंपैटिबल है। और बैटरी बैकअप की बात करें तो इससे 5 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलता है 4 घंटे की चार्जिंग के बाद। और प्राइसिंग की बात करें तो ये 899 में अवेलेबल हो जाता है जो कि काफी सही डील है। 3rd नंबर में मैंने रखा है यूबॉन का साउंड बार जो कि एक आपको अच्छा बेस प्रोवाइड करने वाला है और एक इजी टू कैरी, आप आराम से बैग में रख के पोर्टेबल स्पीकर है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें 10 वॉट का स्पीकर मिलता है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो हर तरह की कनेक्टिविटी मिलती है आपको, USB, ब्लूटूथ, HD कार्ड, आप कुछ भी करके जितने भी मीडियम होते हैं ना सभी आपको इसमें मिलने वाला है। और ये सभी डिवाइस के साथ कंपेटेबल भी है और माइक्रोफोन भी प्रोवाइड है जो कि आप इजिली इससे कॉलिंग कर सकते हैं। और वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल बटन की बात करें तो टॉप में इसमें आपको मिल जाता है देखने को। और वहीं अगर बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो यार 4 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिलता है। और प्राइसिंग की बात करें तो थोड़ा सा 100 रुपए आपका ज्यादा लगने वाला है, 1099 का ये मिलता है, बट एक अच्छी चॉइस है, आप जरूर देख सकते हैं। और अगर आप ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर देख रहे हैं जो कि 500 के अंदर आए और इजी टू कैरी हो तो भाई ये वाली वीडियो देख लो, आपको बिल्कुल पसंद आएगी। एंड सेकंड अगर हम लोग बात करें तो हमने रखा है जेब्रोनिक्स की तरफ से जेब वंडर बार जो कि भाई आपके टेबल का इंप्रेशन बहुत बढ़ाने वाला है बिकॉज इसकी डिजाइन। और इसमें आपको RGB लाइट्स मिलता है जो कि भाई एकदम RGB किसको नहीं पसंद है, तो एक अच्छी चॉइस होने वाली है अगर साउंड बार आप देख रहे हैं। और इसमें आपको 2-in-1 डिजाइन मिलता है, मतलब आप कभी इसको साउंड बार भी यूज करिए और आपका थोड़ा सा मन चेंज हो तो आप 2 स्पीकर सेपरेटली यूज कर सकते हैं जो कि काफी अच्छा एक लॉजिक लगा इस साउंड बार में। और इसमें आपको 10 वॉट का स्पीकर मिलता है, कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ USB मिलने वाली है जो कि मेरे ख्याल से काफी इनफ है। और साथ ही साथ कंपेटिबिलिटी की बात करें तो यार सभी डिवाइस में कंपेटिबल है, टैबलेट, मोबाइल, आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप सब में। इसमें आपको माइक और हेडफोन के लिए एक्स्ट्रा जैक मिल जाता है जो कि यार काफी सही लगा, आपको भले इनबिल्ट नहीं मिल रहा है लेकिन आपको जैक प्रोवाइड हो जाता है। और वॉल्यूम बटन आपको फ्रंट में ही देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर बात करें इसके प्राइसिंग का तो 890 में अवेलेबल हो जाता है। और मैं जितने भी साउंड बार आपको बता रहा हूँ सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो चेक इट आउट। सो फाइनली टाइम आ गया कि मैंने पहले नंबर पे कौन सा साउंड बार रखा है, तो वो है F&D की तरफ से E200 जो कि यार काफी अच्छी डिजाइन के साथ आता है। इसमें आपको 11
10 डिग्री टिल्ट डिजाइन मिलती है जो कि बहुत अच्छा लुक देता है इस स्पीकर को। आपको एक थिएटर लाइक साउंड इसमें आपको मिलने वाला है और साथ ही साथ इसमें आपको एक अच्छा बेस देखने को मिल जाएगा। और इस स्पीकर का विड्थ की बात करें तो आपको 41 सेंटीमीटर का मिलता है जो कि एक आपको काफी एक अच्छा एरिया भी कवर होगा अगर आप इसको टेबल पे यूज करते हैं तो। इसमें आपको 3 वॉट का स्पीकर मिल रहा है और यूएसबी कनेक्टिविटी मिल रही है और 2.0 का चैनल आउटपुट मिल रहा है जिसके वजह से आपको एक अच्छा साउंड इसमें मिलने वाला है। और ये सभी डिवाइस के साथ कंपेटिबल भी है लेकिन माइक्रोफोन का सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलता है। वॉल्यूम बटन की बात करें तो आपको राइट साइड में नॉब देखने को मिलता है जिसके आउटर रिंग में आपको एक रेड LED देखने को मिलता है जो कि एक अच्छा लुक इसमें आपको मिल जाता है। और अगर इसके हम लोग बात करते हैं प्राइसिंग की तो ये आपको 1119 में अवेलेबल होता है। और अब आप कहेंगे कि ये 1000 रुपीज के अंदर क्यों नहीं आ रहा, इसको क्यों पिक की हो, तो भाई अगर लाइटनिंग डील में लेते हो तो ये 1000 रुपीज में भी अवेलेबल हो जाता है। तो थोड़ा सा वेट करके आप इसको बाई कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो भाई सेकंड वाला एकदम परफेक्ट ऑप्शन होने वाला है आपके लिए और डेफिनेटली जा सकते हो। तो यही था आज की वीडियो में आपको बताने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ऐसे ही कंटेंट रेगुलर देखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।